चलिए इसको देख लें। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, अब स्फेरिकल कंडक्टर हैं, इट डजंट मैटर कि वो सॉलिड हैं कि हॉलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज जो है वो एनीवे सरफेस पे ही रहनी है। ऑफ रेडियस 2 मीटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। इट इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड अनदर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6 मीटर्स। इसका रेडियस 2 मीटर है, इसका रेडियस अब 6 मीटर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल टू विच द बिगर स्फीयर इज वुड बी रेज्ड। आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस जो है लेट्स से आर, इसकी कुछ चार्ज है और इसका पोटेंशियल जो है वो 120 वोल्ट के बराबर है। अब इसका पोटेंशियल मतलब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस आर के बराबर। अब आप एक बिगर स्फीयर के अंदर इसको रखते हैं जिसका रेडियस जो है वो 6 मीटर्स है, दैट मीन्स 3 टाइम्स ज्यादा, सो 3 टाइम्स आर में लिख रहा हूं। आपको बताना है कि टू व्हाट पोटेंशियल इज दिस स्फीयर रेज्ड, दैट सिंपली मीन्स कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। अब ये नया पॉइंट जिसपे आपको पोटेंशियल निकालना है, वहां पर डिस्टेंस जो वो 3 टाइम्स है। अब चार्ज जो थी वही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पोटेंशियल इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, या एट एनी पॉइंट आर, स्मॉल आर। अब क्यू तो सेम रह रहा है, क्यू को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, गामा पहले से ही सेम है। दैट सिंपली मींस कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन दिस केस। सो दैट वुड मीन अगर मैं इस पॉइंट को 2 कहूं और इस पॉइंट को 1 कहूं, सो वी 2 डिवाइडेड बाई वी 1 जो होगा वो होगा आर 1 डिवाइडेड बाई आर 2। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है इसलिए उल्टा। सो वी 2 इज इक्वल टू आर 1 जो है वो आर के बराबर, आर 2 जो है वो 3 टाइम्स आर के बराबर इज वी 1। V1 दिया हुआ है वो 120 वोल्ट के बराबर है। R and R cancels out, 3 into 40, so this means V2 is equal to 40 volts.